अवैध संबंधों की तासीर में लिपटी वासना की ये घिनौनी कहानी बिहार के समस्तीपुर जिले से आई है। घटना की शुरुआत तब हुई जब बीते सोमवार को मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र में एक महिला की हत्या की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस हमेशा की तरह जांच के लिए रवाना हुई। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस उसके बाद से इसकी छानबीन में जुट गई। पुलिस को शुरुआत में कुछ समझ में नहीं आया। अचानक पुलिस ने शक के आधार पर मृतक महिला के भतीजे को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद भतीजे ने जो पुलिस के सामने राज खोला वो काफी चौंका देने वाला था। गिरफ्तार आरोपी ने पुलिस को जो कहानी बताया उस कहानी को सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। पुलिस को बताई गई कहानी को हम नीचे आपको बता रहे हैं। आरोपी के नैना चार हो गए थे। उसे प्यार हो गया था, प्यार भी किसी और से नहीं अपनी ही चचेरी बहन से। आरोपी अपनी चाची की बेटी को प्यार करने लगा था। दोनों ने सामाजिक बंधन को दरकिनार कर एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाई। आरोपी का अपनी ही चचेरी बहन से 3 साल तक प्रेम प्रसंग चला। इस दौरान दोनों मोबाइल पर वीडियो चैट करते थे। उस चैट के दौरान रोमांस भी होता था। उस चैट के दौरान ऐसा कुछ भी होता था जिसे आप सुनना पसंद नहीं करेंगे। मोबाइल पर बात करते हुए आरोपी अब नजदीक आने के लिए तड़पने लगा था। उसके बाद आरोपी ने एक फैसला लिया। मृतक महिला के भतीजा अब प्यार में पूरी तरह पागल हो गया था। उसने अपनी चचेरी बहन को कहा कि वो उसके साथ मंदिर चले। दोनों मंदिर गए और शादी कर ली। ये बात घर वालों को पता नहीं चली। दोनों एक साथ पति पत्नी की तरह दिन और रात गुजारने लगे। दोनों ने बकायदा सुहागरात मनाई। घर वालों से छुपकर दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। इसी बीच चचेरी बहन की मां यानी मृतका चाची को कुछ शक हुआ। चाची को दोनों के संबंधों के बारे में पता चल गया। उसके बाद उसने अपनी बेटी को अपनी बहन के घर भेज दिया ताकि दोनों दूर हो जाएं। उसके बाद चाची की बेटी जब कुछ दिन बाद अपने घर लौटी, उसके बाद उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया। वो अपनी माँ को अपना दुश्मन मानने लगी। ये बात लड़की ने अपने प्रेमी चचेरे भाई को बताया। इस घटना के बाद आरोपी ने एक प्लानिंग की। उसे पता चला कि उसकी चाची दोबारा उसकी चचेरी बहन को बाहर भेजने का प्लान कर रही है। उसके बाद आरोपी ने बीते सोमवार को देर रात चाची के कमरे में गया। आरोपी ने सिलबट्टे के प्रहार से चाची की हत्या कर दी। उसके बाद चुपचाप अपने कमरे में सोने चला गया। उसके बाद पुलिस की जांच में आरोपी के कृत्य का पता चला। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद दोनों ने सुसाइड करने की कोशिश की। उसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। जिले के एसपी विनय तिवारी ने मीडिया को बताया कि आरोपी ने चचेरी बहन के प्यार में अपनी चाची की हत्या की है। मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।